आदाब जय हिंद, आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम। इस वक्त खबर जलगांव जिला के अड़ावत शहर से। अड़ावत शहर में ओबीसी फाउंडेशन इंडिया की ओर से एंग्लो उर्दू हाईस्कूल के मुख्य अध्यापक श्री फारूक पटेल सर को किया गया शिक्षक गौरव पुरस्कार से सम्मानित। इस समय ओबीसी फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष मंगल पाटिल, नासिक विभाग प्रमुख बीएल देशमुख, सरपंच श्रीमती भावना माड़ी, ज्ञानेश्वर महाजन, आरसी पाटिल, सचिन ढापे, राजेंद्र माड़ी, गणेश पाटिल, विनायक पाटिल, सचिन पाटिल, जेडी निडे, पीआर माड़ी, साखरलाल महाजन आदि थे उपस्थित। शिक्षक गौरव पुरस्कार देतोय। या पुरस्कारासाठी तालुक्यामधून बरीच नावं होती, परंतु आम्ही कोणत्याही प्रकारचे प्रस्ताव वगैरे न मागवता फक्त एक जनसंपर्क लक्षात घेतला की आपल्या विद्यालयामधून पटेल सरांना या वर्षी शिक्षक गौरव पुरस्कार या ठिकाणी प्रदान करत असताना आम्हाला खूप मनस्वी आनंद होतो। तर एकच सांगतो, सर्व शेवटी शुभेच्छा देतो पूर्ण शाळेला। या शाळेतून जो 21 वर्षाचा आयएएस कोण झालेला आहे, अन्सर शेख, हा त्याच्यासारखे तुम्ही सर्व व्हावे अशी इच्छा व्यक्त करतो आणि सरांना भावी वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो। मुझे यहाँ पर जो खिताब दिया गया, अभी देशमुख सर, नितिन सर, देशमुख सर मेरे बहुत अजीज दोस्त रहे, अभी लगभग 20 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। अभी मैं एक बहुत अच्छा मौका मिला है, अभी मुझे आज बच्चे शायद नहीं जानते हमारे अड़ावत के, मैं तो कहता हूँ जितने साबिक तुलबा है भी, यहाँ से जितने लोग गुजरे भी, ये हमारे देशमुख सर को नहीं जानते, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारे स्कूल को जब भी मदद की ज़रूरत पड़ी है भी, सर ने कभी भी फर्क नहीं किया, सर ने कभी भी ये दूजा भाव नहीं दिखाया कि भी ये उर्दू स्कूल है। हमारे अंदर इतना प्रेम है, हमारे अंदर इतना भाईचारा है भी के मिसाल, एक मिसाल के तौर पर कभी कहूँगा तो सर, मेरे ये जो दोस्त है भी यहाँ पर बैठे, ये हमेशा अगरचे किसी की तारीफ करना है भी, स्कूलों की तारीफ करना है, बच्चों की तारीफ करना है भी, मुस्लिम समाज की तारीफ करना है, तो सबसे पहले हमारी तारीफ करते भी। मुझे एक लगता है कि ऐसा संगठन तैयार होगा कि जहाँ पर ना जात होगी, ना पात होगी, ना कोई भेदभाव होगा, तो ऐसा संगठन हमारा बनेगा भी। तो मैं इसके लिए हमारे यहाँ के जो बहुत सारे लोग अभी, इनसे मैंने अपील भी की, इन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे बुलाइए, हम जब भी आपका प्रोग्राम होगा ऐसे प्रोग्राम में हम शरीक होंगे, और क्यों ना हम एक साथ काम करें। यहाँ आकर आपने हमारा हौसला बढ़ाया सर, आपने हमारी उम्मीदें बढ़ा दी, हमारा हौसला बढ़ा दिया, हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दी, इसलिए हम आपका एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे, और समाज के लिए, हमारे लिए जो भी करना होगा भी हम वो करेंगे। आज यौम असातिज़ा है भी, टीचर्स डे है भी, आज बहुत अच्छा मौका है भी। हमारे बच्चे सर आज सुबह से इंतज़ार में थे, सुबह से 8 बजे से हमारे बच्चे बैठे भी, लेकिन मैं बच्चों का भी, हमारे टीचर्स स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ भी, कि सुबह से वो इंतज़ार में थे कि भाई कब प्रोग्राम होगा, कब मेहमान आएंगे, तो मैं उनकी तरफ से भी आपका सभी का इस्तकबाल करता हूँ भी। और यहाँ पर और लोग आए भी, वक्त तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं कोशिश में था कि भी और ज़्यादा बात करूँ, लेकिन बहुत सारे, बहुत वक्त हो चुका है भी। आखिर में मैं एक मर्तबा फिर से और ओबीसी फाउंडेशन और बाहर से जो हमारे गांव के जो मेहमान है भी, इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ पर आए और मुझे उन्होंने इस किताब से नवाजा। मैं इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा ओबीसी फाउंडेशन के रियासती सदर, नायब सदर और जिगर जितने अराकीन आए हैं, हम एंग्लो उर्दू हाईस्कूल सदर मदरस स्टाफ और हमारे स्कूल इंतजामिया के तमाम अराकीन की जानिब से उनके शुक्रगुजार है। साथ ही हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा मोहतरमा सरपंच ताई भावना ताई भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही माजी सरपंच साखरलाल महाजन साहब वो भी यहाँ आए हैं, उनका भी हम स्कूल हेडमास्टर साहब स्टाफ की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं।